Sankhya Darshan. And after some time, I came to know that both are same. Like chapter 2 of Bhagavad Gita is based on this Sankhya Darshan. So I don't know like why they told like that. Okay. See, Bhagavad Gita. पढ़ने से पहले मैं भगवत गीता पढ़ने से पहले मैं आप सबको बोलूँगा कि आप सब लोग ना उपनिषद जिसको हम वेदांत बोल रहे हैं ना आप पहले उसको जानो क्योंकि उपनिषदों को बोलते हैं कामधेनु और जो कामधेनु गाय को जो जो दूध का जो दोधन हो रहा है ना उससे जो सार निकला वो गीता है इसलिए गीता का पूरा नाम गीतोपनिषद है उपनिषद से जो सार आया वो गीता में है तो अगर उपनिषद बिना पढ़े कोई डायरेक्ट गीता समझता है तो इसलिए वो बीच में जर्नी छोड़ देते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं वो श्लोकों को रटते हैं तो श्लोक क्या होता है इंग्लिश में लिखा होगा या उनकी लोकल जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें भी होगा मगर वो श्लोक समझ में नहीं आता वो श्लोक इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि जो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग है मतलब वो ये पता ही नहीं कि वो आया कहाँ से है तो वेदों में ना हर श्लोक को और हर जिसे बोलते हैं ना सत और असत को समझाने के लिए फिलॉसफी दी गई है और जब हम बात करते हैं इवन कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग को समझाने के लिए उपनिषदों में अलग अलग व्याख्या की गई है तो अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपको तब आप मैं कह सकता हूँ कि आप गीता पढ़ो और उसमें भी मैं बोलूँगा कि कुछ खास गीताएँ हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है अष्टावक्र गीता तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी अष्टावक्र गीता भी ठीक है और सांख्य दर्शन गीता और अष्टावक्र गीता अपनी श्रीमद् भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में क्या फर्क है हाँ अभी बताता हूँ देखो अष्टावक्र गीता के बारे में अभी बताऊंगा और भगवत गीता के बारे में बताऊंगा तो सबसे देखो सबसे पहले जैसा मैंने कहा उपनिषद पढ़ो सबसे पहले और उपनिषद मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ जिसमें मेरे जो पर्सनल फेवरेट हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य हैं तो उनका जो दर्शन शास्त्र है उसको बोलते हैं अद्वैत ठीक है वो बोलते हैं अद्वैत तो अद्वैत हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम अलग 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 जो भी है दर्शन पढ़ेंगे हम ठीक है तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं आपको दर्शन शास्त्र साथ साथ पढ़ा रहा हूँ जैसे पतंजलि योग सूत्र वो दर्शन शास्त्र है मैं बार बार आदिगुरु शंकराचार्य जी की बात करता हूँ तो उन्होंने बात की है अद्वैत सिद्धांत की अद्वैत मतलब होता है नॉन डुअलिटी तो अभी उस पर भी मैं बात करूँगा कि नॉन डुअलिटी का क्या मतलब है ओके देखो एक बार माँ काली ने रक्त बीज का संहार करने के लिए जिसे बोलते हैं मतलब जो रक्त बीज था और उसकी जो सेना थी उसका संहार किया और वो काली के रूप में आई और उन्होंने मुंड माला पहनी हुई है हाथ में उनके कपाल है ठीक है ना खप्पर है उनके हाथ में तो बेसिकली क्या हुआ जब उन्होंने इतना रक्त संहार किया तो उनको बहुत जो है रक्त की वो प्यासी हुई कि मुझे और रक्त चाहिए और रक्त चाहिए तो देवता लोग भी घबरा गए कि इनको शांत कैसे किया जाए तो सबको पता था कि इनको शांत करना बहुत मुश्किल है तो स्वयं भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे आके लेटना पड़ा शव शव के रूप में तो इसका क्या मतलब है इसका बेसिकली इसका सिंबॉलिकली इसको आप कैसे समझोगे सिंबॉलिकली देखोगे कि तो वो इसमें ये इसमें समझा जा सकता है तंत्र में कि जो शिव है विदाउट शक्ति इज शव क्योंकि शक्ति जो है ना महाशक्ति जो इस दुनिया को इस सृष्टि को जो चला रही है जिसको हम प्रकृति भी कभी कभी बोल देते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ठीक है सांख्य दर्शन में प्रकृति वर्ड आता है बट प्रकृति वहाँ पे वो नहीं है ठीक है तो एक तो मतलब इसका ये हुआ दूसरा उनके हाथ में कपाल है ओके और जिस मुद्रा में वो भगवान शिव शव बनकर लेटे हैं तो वो ये भी इसका एक सिम्बॉलिकली इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति शमशान में क्या होता है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति तो मिलती है तो वो एक शमशान का भी वहाँ पे जो है एक चित्रण मतलब किया गया है उस जब वो पूरा व्यक्तित्व वहाँ पे जो हुआ भगवान माँ काली ने जो वहाँ पे खेला है ना तो
तंत्र को ना बेसिकली जो है हमें समझना है, और वो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पंचमकार में कुछ चीज़ें यूज हुई हैं, पंचमकार की वहाँ पे रक्त भी यूज हुआ है, ठीक है, मांस भी यूज हुआ है ना। तो रक्त मतलब वो एक तरीके से मदिरा समझो, मांस मतलब जो उन्होंने संहार किया है ना, एक सर्टन मुद्रा में भी है वो, आप देखोगे तो एक मुद्रा में तो उन्होंने अपना कहते हैं कि जो उल्टा पैर उनके ऊपर रखा हुआ है अपना, उसका अलग मायने है, और अगर वो सीधा पैर रखती हैं तो उसका अलग मायने है। और उन्होंने जो वो मुद्रा निकाली हुई है, जैसे उनको पता चलता है कि उनके जो उनके जो पति हैं वो उनके पैरों के नीचे आ गए हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, तो बेसिकली उनकी जीभ बाहर आ जाती है, तो वो खेचरी मुद्रा है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि खेचरी मुद्रा को अगर आपने साध लिया और खेचरी मुद्रा को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो उसमें जो जो हम बात करते हैं ना मदिरा की, तो पंचमकार में वो खेचरी मुद्रा में क्या होता है कि जब आप ब्रह्मरंध्र आपका खुलने की तरफ होता है ना, तो आपको खेचरी मुद्रा में वो जो ब्रह्म तत्व है अमृत रूपी, वो आपकी जीभा पे गिरने लगता है। तो अगर आप इसको देखोगे पूरे पूरे प्रकरण का जो चित्रण है माँ काली का, तो वो उसमें बहुत कुछ बताया जा रहा है, तंत्र तंत्र साधना में उसका बहुत यूज होता है, वो जीवन मृत्यु के बारे में भी बता रही हैं, वो कैसे शिव शव जो एक शव क्रिया भी होती है उसके बारे में भी वो बता रहे हैं, जो कि पंचमकार में यूज होता है और वाम वाम मार्ग में यूज होता है, ठीक है। तो बिना इनको समझे ना, सिंबल्स को समझे, कोई भी साधना कोई भी सिद्धि इतना आसान नहीं है। और मैं बोलता हूँ साधना तो फिर भी आप कर सकते हो, साधक तो आप बन सकते हो, बट सिद्धि मिलना ये आपका प्योर जिसे बोलते हैं ना नसीब है, सिद्धि मिलना हर एक के मतलब हर एक के जीवन में ज़रूरी नहीं कि उसको मिल जाए, वो शक्ति भी तो उसी को मिलेगी जिस जब शक्ति को पता है कि भाई ये शक्ति को साधने में सार्थक है तभी वो मिलेगी, ऐसे आपको कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी। इसकी भी मैंने आपको कहानी बताई थी, एक लकड़हारा वाली, और एक व्यक्ति होता है तांत्रिक, वो शव क्रिया कर रहा होता है, तो वहाँ पे भैरवी का जो वाहन होता है सिंह, वो आके मार देता है, तो फिर लकड़हारा के भैरवी से पूछता है कि भाई आपने इसको क्यों मार दिया, ये तो आपकी बहुत साधना कर रहा था, और मैं जैसे ही दो बार मैंने मंत्र बोला, उसका मंत्र मैंने कॉपी किया, मैंने वो शव क्रिया किया, आप तुरंत दर्शन दिया, तो भैरवी ने क्या बोला कि ये मुझे एक्सपीरियंस करने के अभी योग्य नहीं था, और आप मुझे 10 जन्म से मुझे साधने की कोशिश कर रहे थे, है ना, तपस्या कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी तपस्या इस जन्म में पूरी हुई, तो अब मैं तुमको मिल रही हूँ और तुम मुझे एक्सपीरियंस करने के लायक हो गए अब, ओके। मुंड, ये मुंड मालिनी है, इन्होंने देखोगे तो कपाल इनके हाथ में है और मुंड इनके गलों में इनके माला है, तो यहाँ पे कपाल क्रिया भी होती है। अगर आपने देखा होगा कि कपाल क्रिया शमशान में होती है, जब कपाल पर एक बांस का जो मतलब एक बेटन होती है, मतलब एक, तो वो सर में मारकर क्या किया जाता है, कपाल क्रिया की जाती है ब्रह्मरंध्र को खोलने के लिए, मतलब इस भूलोक से वो जो उस वो आत्मा है उसकी यात्रा को कंप्लीट मान लिया जाता है, ताकि वो यहाँ से चली जाए। तो वैसे एक कपाल क्रिया तंत्र में होती है, जिसको कपाल भेदन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे उस चित्रण में माँ काली के ये भी वो भी बताया जा रहा है। देखो वेदों में ना निराकार रूप की चर्चा की गई है वेदों में, या वेदांत भी बोल सकते हो, और पुराणों में साकार भगवान के सगुण रूप की चर्चा की गई है, ओके। तो निराकार आपके ऊपर है कि आप किस रूप की पूजा करते हैं, आप सगुण रूप की पूजा करते हैं या निराकार की करते हैं, या आपके ऊपर आपकी चॉइस है कि आपकी यात्रा क्या, आप निराकार से साकार की तरफ जाना चाहते हो या साकार रूप से आप निराकार की तरफ जाना चाहते हो, ये टोटली
आपकी चॉइस है, आप किस जर्नी को आप फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, अद्वैत में आदि गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म में ना परा। इसका मतलब है, याद रखना इसको, वो हमें, मैं बार बार यही कोट करूंगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी का ये वाक्य, वो मानते हैं कि भाई ओनली ब्रह्म इज सत्य, जो जगत आपको दिख रहा है ना ये मिथ्या है, जिसको हम सत मान लेते हैं, सत वो असत है और उसको हम सत मानकर जी रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जीव जगत और ब्रह्म तीनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो बोल रहे हैं सब ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म ना परा का मतलब है जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। जो माया हमें, मतलब जो माया को मिथ्या बोल रहे हैं, ये हमें आज के समकालीन कलयुग परिवेश में, हमको इवन वो कोई भी युग हो, इवन वो चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता युग हो, है ना, वो एक मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स में हमको जो असत है वो हमको सत जैसा जान पड़ता है, हमारी अविद्या के कारण। तो ये वाला ज्ञान दत्तात्रेय जी ने दिया था सतयुग में, इस ज्ञान को अद्वैत का, और वशिष्ठ जी ने भगवान राम को दिया था त्रेता युग में, और अष्टावक्र ने जी ने दिया था जनक को त्रेता युग में, जब अष्टावक्र गीता के नाम से वो जो हमारे सामने आई, वो प्रचलन में आई वो, और कृष्ण ने अर्जुन को द्वापर युग में दिया था भगवत गीता के रूप में, और आदि गुरु शंकराचार्य ने बाद में कलयुग में दिया था। अद्वैतवाद हमेशा याद रखना, अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअलिटी, मतलब सब कुछ एक है। तो जो मैट्रिक्स, जो माया आपको दिख रही है, इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं, वो असत है, वो आपको सत्य जैसा जान पड़ता है, इसलिए हम उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं विक्षेपण, वो आपको, वो मतलब जो है ना, डे टू डे लाइफ में हर मोमेंट वो आपका पीछा कर रहा है। वो एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा कि फेसबुक आप जैसे चला रहे हैं, है ना, या कोई भी सोशल मीडिया चला जो आप चला रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई ऐड आ जाता है, और वो ऐड पे क्लिक करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको टेम्पटिंग लगता है। फिर वैसे ही सिमिलर आपको बार बार हर दूसरे तीसरे दिन में आते रहते हैं, यानी वो मैट्रिक्स में आप फंसे हो। मैट्रिक्स मूवी देखिए ना, तो मैट्रिक्स में आप फंसे हो, वो मैट्रिक्स में कलयुग नहीं है, पीछे जितने भी आप सतयुग की ले लो बात, त्रेता युग की ले लो, या आप द्वापर युग की ले लो, जिस जो उसको हम बोलते हैं ना राक्षस गण जो बोलते हैं, ये दानव जिनको बोलते हैं, वो इसी मैट्रिक्स में फंसे हुए थे, जो उनको दिख रहा था उसी को वो सत मानते थे, राइट। देखो मैं आपको ना चीज बताता हूं, अद्वैत दर्शन जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जिन्होंने ब्रह्म की के बारे में बताया, ओके, और जो अष्टावक्र गीता है, ये सेम ही बात कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता में की कैसे शुरुआत हुई मैं आपको उसकी थोड़ी कहानी बताता हूँ। अष्टावक्र गीता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा जनक को एक सपना आया कि वो देखते हैं कि भाई वो बहुत गरीब हैं और खाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब उनको कोई भिक्षा नहीं दे रहा, जहाँ वो जहाँ भी जा रहे हैं तो उनको उपेक्षित कर दिया जाता है, उनको बोला जाता है भाई तुम पे तो भिक्षा मांगने वाला पात्र भी नहीं है, तो जाओ तुमको नहीं मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि भाई भिक्षा मांगने वाला पात्र कहाँ मिलेगा, तो बोलेंगे भैया कुम्हार के पास मिलेगा। तो कुम्हार के पास चला जाता है, कुम्हार कहता है भाई मुझे एक दमड़ी चाहिए, तो वो कहता है मेरे पे तो एक दमड़ी भी नहीं है, तो कुम्हार भी बता देता है। वो जैसे तैसे कहीं से हाथ में वो खिचड़ी लेके आता है, जो राजा के यहाँ बट रही होती है, तो वो भी उसके हाथ से गिर जाती है, क्योंकि वो एक कहते हैं वहाँ पे एक
चील मतलब आती है, तो उसकी वजह से डर की वजह से वो गिर जाती है और एकदम से सपने में डर के उड़ जाते हैं और पूरी रात सो नहीं पाते, और वो इस असमंजस में रहते हैं कि जो मैंने सपने में देखा वो सत्य था, जो अभी जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है, और पूरी रात वो इस उलझन में फंसे रहते हैं। और सुबह उठते अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि भाई आप हमारे गुरु को बुलाओ, अष्टावक्र जी को। वैसे उनकी सभा में एक से एक गुरु थे, जिसमें याज्ञवल्क, उद्दालक और बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी सभा में ऐसे बहुत मंत्रीगण में बहुत लोग थे जो कि बहुत ज्ञानी थे। तो वो अष्टावक्र को बुलाते हैं, तो अष्टावक्र जी आते हैं और अष्टावक्र जी को वो अपना यही पूरा जो प्रकरण होते हैं बताते हैं कि भाई मैंने सपना देखा, सपने में मेरे साथ यही हुआ। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे बताओ कि जो मैंने सपने में देखा वो सत्य था या जो मैं अभी देख रहा हूँ वो सत्य है। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि जो तुमने सपने में देखा ना तो वो सत्य था, जो अभी देख रहे हो ना वो सत्य है। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखा तो मैंने वो भी था सपने में, और जो अभी देख रहा हूँ वो भी सत्य, आप मेरे सामने बैठे हो। तो वो अष्टावक्र बोलते हैं नहीं, जो तुमने देखा वो एक प्रातभासिक सत्य था, मतलब टेम्प्ररी सत्य था, और अभी जो देख रहे हो वो एक ट्रांजैक्शनल सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। ये दोनों सत्य, दोनों ही सत्य नहीं है, अपनी जगह पे दोनों बातें सत्य ज़रूर चल रही हैं, मगर ये दोनों ही सत्य नहीं है। सत्य क्या है? तो उन्होंने फिर वो बताया कि जो तुमने ड्रीम स्टेट में देखा, ठीक है, वो प्रातिभासिक सत्य था, जो अभी तुम देख रहे हो जागृत अवस्था में ये ट्रांजैक्शनल व्यवहारिक सत्य है, मगर दोनों ही जो सत्य हैं ये वो जिसे बोलते हैं ये रियलिटी सच में नहीं है, ये माया है, ये माया के कारण तुमको ऐसा सत्य जैसा जान पड़ रहा है। तो अष्टावक्र गीता में जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया उनको उस वक्त वो अष्टावक्र गीता बनी, और जो पूरा अद्वैत सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया, तो उन्होंने तो बहुत सारे भाष्य लिखे, उन्होंने कनक धारा स्त्रोत लिखा, सौंदर्य लहरी लिखी उन्होंने मात ललिता त्रिपुर सुंदरी के लिए, उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, कम से कम 60 से 70 उन्होंने ऐसे भाष्य यानी कॉमेंट्री लिखी थी, ठीक है, सिर्फ ब्रह्म के ऊपर ही। और ये दोनों जो बात, मतलब दोनों जगह जो बताया जा रहा है वो ईश्वर की सत्ता के बारे में बताया जा रहा है कि ईश्वर की सत्ता ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब जो है नॉन एग्जिस्टेंस है। ओके, और तंत्र में जो सातों चक्रों की बात हो रही है ना, मतलब कुंडली अवेकनिंग की, वो यही है। इसलिए मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ वेदों का, गीता का और तंत्र का। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग सब बताया, तो वो बताने चाह रहे हैं कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड हु एम आई, पहचानो खुद को तुम कौन हो, मतलब खुद से आत्म साक्षात करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर ही वो ब्रह्म है, ठीक है। और तंत्र में भी यही है, तंत्र को आप वो मत समझो कि जो तांत्रिक क्रिया हो रही है वो मत समझो, तांत्रिक क्रिया वाला जो है मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार शाबर मंत्र बताया था, और तंत्र को कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ओके, अब देखो ये तो थी राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी, जिसमें अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को उस पर ब्रह्म सत्य का ज्ञान कराया और बताया कि प्रातभासिक सत्य और ट्रांजैक्शनल सत्य बताया कि ये नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मिथ्या है, ये माया के विक्षेपण के कारण, अविद्या के कारण आपको दिख रहा है। ओके, अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। देखो एक बार क्या होता है कि एक शहर में एक व्यक्ति खड़ा होता है और वहाँ पे काफ़ी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे राजा की सवारी निकल रही है, तो एक व्यक्ति देख रहा है उसको, तो
जो व्यक्ति देख रहा है उसके पास एक स्ट्रेंजर आता है, स्ट्रेंजर से जो स्ट्रेंजर है उस व्यक्ति से पूछता है कि भैया क्या हो रहा है। तो व्यक्ति बोलता है कि देखो भैया राजा की सवारी जा रही है। तो वो समझाता है कि जो बंदा, जो राजा एलिफेंट के ऊपर बैठा है ना, तो ये राजा की सवारी है, जो नीचे है वो हाथी है, जो ऊपर है वो राजा है। दोबारा पूछता है उससे स्ट्रेंजर उस व्यक्ति से कि भाई राजा कौन और इसमें एलिफेंट कौन। वो दोबारा बताता है कि भाई तुमको इतना भी नहीं दिख रहा, तुमको शब्दों के माध्यम से बता रहा हूँ, तुमको सामने दिख भी रहा है ना, अपने नेत्रों से भी दिख रहा है कि जो व्यक्ति ऊपर बैठा है वो राजा है और जो व्यक्ति जो जिसके ऊपर वो बैठा है वो एलिफेंट है, वो हाथी है। तो वो कहता है उस स्ट्रेंजर को, तुम ऐसे नहीं समझोगे, ना तो तुम्हें शब्दों से समझ में आ रहा है, ना तुम्हें चित्रण से समझ में आ रहा, मैं तुमको रोल प्ले करके बताता हूँ। तो वो कहता है काम, वो कहता है उस व्यक्ति से कि चलो ठीक है मैं हाथी बन जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर बैठो तब तुम्हें समझ में आएगा। तो जो वो ऊपर बैठा होता है वो फिर पूछता है कि बताओ इसमें राजा कौन और हाथी कौन। तो बोलता है देखो तुम ऊपर बैठे हो तो तुम हुए कौन, राजा, और मैं नीचे हूँ तो मेरे ऊपर बैठे हो तो मैं हूँ हाथी। तो बोलता है ये तो मुझे समझ में आ गया कि राजा कौन और हाथी कौन, मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो मैं कौन और तुम कौन, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना मैं नीचे हूँ तो मैं हाथी और तुम ऊपर हो तो तुम राजा। तो वो कहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कौन और तुम कौन। तो एकदम से वो घबरा के वो व्यक्ति कहता है कि मतलब स्ट्रेंजर को बोलता है कि आप हटिए, और वो उनके पैर छूने लग जाता है। वो बोलता है कि आप तो मेरे गुरु हो, मैं आपको पहचान नहीं सका, क्योंकि इस तरीके का जो समझाना का जो तरीका मेरा गुरु ही समझा सकता है। तो वो कह रहे हैं ना तो मतलब आई और यू में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, वो एक ही आत्मा है, एक वो, समझ रहे हैं आप। वो कैसे समझाया था मैंने आपको एक कहानी के थ्रू, अगर आपको याद हो, यू रिमेम्बर, पुराना लेक्चर आपको याद नहीं है जो मैंने भैंसे वाला बताया था, जिसमें बताया था कि देखो इसमें जो आत्मा है, हाँ वो मतलब वो एक श्लोक खत्म हो गया था, हाँ, उन लोगों ने पकड़ लिया और भैंस ने वहां से बोलना शुरू किया, मतलब जो मेरे में आत्मा है वही दूसरे में है, मैं और तुम सिमिलर जैसा, हाँ, हुआ है। तो संत ज्ञानेश्वर ने ये वहां के जो मठ के जो अधिकारी थे उनको समझाया, जो वो अपने यज्ञोपवीत के लिए गए थे और वो उनको जो है वही संस्कार करने नहीं दे रहे थे, तब उन्होंने बताया कि वो जो उस भैंसे के अंदर आत्मा है और जो मेरे अंदर है और जो आपके अंदर है वो एक ही है, यानी वो कौन है, वो ईश्वर रूपी पर ब्रह्म। इसको मैं एक दूसरी कहानी से भी बताता हूँ। आपने एक संत हैं नामदेव, महाराज साइड में थे, तो ईश्वर मतलब भक्ति में हमेशा डूबे रहते थे, और उनके जो इष्ट थे वो भगवान विट्ठल जी थे। तो एक बार जंगल में वो खाना बना रहे होते हैं नामदेव जी, तो वहाँ पे जब वो खाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो रोटी बना चुके होते हैं सब कुछ ऑलमोस्ट, अब वो खाना खाने वाले होते हैं, तो वो शौच के लिए जाते हैं। तो वो जब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं इतने में कुत्ता आता है और वो उनकी रोटियाँ उठा के लेके जा रहा होता है। तो नामदेव जी पीछे पीछे भागते हैं उस कुत्ते के और बोलते हैं कि प्रभु ये सूखी रोटी खाओगे तो आपको कष्ट होगा, मेरे पास घी भी है इसमें घी लगा लो, आपको कष्ट होगा अगर आप सूखी रोटी खाओगे तो इस पर आप घी लगा लो, उसके बिना आपको रोटी अच्छी नहीं लगेगी। तो वो जो कुत्ता होता है वो स्वयं भगवान विष्णु जी वहाँ पे अवतरित हो जाते हैं। आप समझ रहे हो ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो रही है, जरूरी नहीं कि नामदेव जी ने अपनी कुंडली जागरण की हो, सातों चक्रों के चक्कर में अपने मतलब समझ रहे ना आप, ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपना सेवन चक्र एक्टिवेशन में लगे हुए हैं, किसी का कोर्स ज्वाइन कर लिया उन्होंने,
जहाँ पे बोला गया कि आपको मैं 2 महीने के अंदर आपके सातों चक्र जागृत कर दूंगा। ये बिगनर का कोर्स है। मीडियम लेवल पे आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। बिगनर पे मूलाधार और स्वाधिष्ठान कर देंगे, उसके बाद आपका विशुद्धि एडवांस कोर्स में, और सीधा फिर आपका सोलर प्लेक्सिस और जो ब्रह्मरंध्र क्राउन चक्र एक्टिवेट कर देंगे, है ना। तो वो हमारा एडवांस वाला कोर्स है। आपने सॉक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल का नाम सुना, अपने कोर्सेज अपने 9th, 10th, 11th में आपने ये पढ़ा होगा सॉक्रेटिस के बारे में, सुकरात जिसको बोलते हैं, पढ़ा था। सॉक्रेटिस बोलते हैं, उनकी जो बहुत फेमस कोट है उसमें बोलते हैं, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। वो कह रहे हैं द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव फॉर नो वन थिंग एंड दैट इज दैट आई नो नथिंग। वो बोल रहे हैं टू नो इज टू नो दैट यू नो नथिंग। आई नो दैट आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। हर बार वो ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। वो बार बार इस बात को बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि, मतलब मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो क्या करते थे ना, लोगों से ज्ञान लेने के लिए सॉक्रेटिस, जिसको भी ज्ञान होता था तो उसको बोलते थे कि भाई आप मेरे से बातें करो, मैं आपको फ्री में चाय कॉफ़ी और बन जो भी है मैं आपको पिलाऊंगा। तो ये उनका क्वेश्चन आंसर की एक ट्रिक थी जो कि बहुत फेमस, जो कि सॉक्रेटिस के बारे में इन्होंने पढ़ाया तो उनको पता था। वो सिर्फ लोगों से क्वेश्चन आंसर करते थे और सिर्फ ये बोल सामने बैठते थे मानकर कि मुझे कुछ नहीं आता, और सामने वाले को सब कुछ आता ये मानकर बैठते थे, और उसको बदले में चाय कॉफ़ी और बन वो खिलाते थे या पिलाते थे। अब देखो, अद्वैत दर्शन शास्त्र वर्सेस तंत्र, जिसमें हम बोल रहे हैं कपाल भेदन टू डिसॉल्व अहम, और जो मैं की बात हो रही है, मैं है ना, इसको बात करें कि मतलब अहंकार महत की जो बात करें वो मैं है, ठीक है। रावण बोलता था एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यता। वो बोल रहा है कि मैं ही हूँ, मेरे जैसा ना कोई था ना कोई आएगा। इसको कैसे समझेंगे हम, जबकि वो कितना कितना वो ज्ञानी था, है ना। तो इसको भी समझाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखो तंत्र ना एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है, जैसे बोलते हैं ना राजतंत्र प्रजातंत्र। तो ये एक व्यवस्था है, जब भगवान ईश्वर ने ना अलग अलग रूपों में अलग अलग